सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पोके ट्रिपमेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने वाले पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू का एनडीएस वर्जन। ये गाइस असल में पोकेमोन गोल्ड का रोम हैक होने वाला है जिसका नाम है पोकेमोन सिल्वर येलो। गाइस अगर आपको भी इस गेम को ट्राई करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कहें, मैं लिए इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बना सकता हूँ। तो गाइस आज से हमारा ये सीरीज स्टार्ट होने वाला है, ये एपिसोड 1 है, आगे एपिसोड आते रहेंगे, आप लोग हमारे सपोर्ट देते रहिए। तो गाइस हमारे चैनल से सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसके लिए थैंक यू गाइस। गाइस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट देते रहना। गाइस हमें सिर्फ फर्स्ट टाइम कम्प्लीट करना है तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइस आज से हमारा ये सीरीज स्टार्ट होता है, अब हम गेम प्ले को भी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गेम स्टार्ट हो चुका है, पहले हम अपने कमरे में हैं, हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमारी मॉम बैठी हुई है, चलो मॉम से बात कर लेते हैं। मॉम हमारी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट कह रही थी। तो गाइस यहाँ पहले मैं टेक्स्ट को फास्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब प्रोफेसर ओक से बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि आज मेरा बिग डे है क्योंकि आज मुझे पोकेमोन मिलने वाला है। तो गाइस सामने में देख सकते हैं आप लोग, ये पोकेबॉल मेरा ही है, इसमें मेरा पोकेमोन है। चलो देखते हैं गाइस, इसमें पिकाचू है तो मुझे पिकाचू मिल चुका है। तो गाइस मुझे मेरा स्टार्टर पिकाचू मिल चुका है, एकदम पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू की तरह ही है गेम है। और आपको भी खेलना है तो मैं इसके बारे में एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। गाइस देख सकते हैं ये एनडीएस ग्राफिक्स में है, जीबीए नहीं है। गाइस आगे चलते हैं, एक गाइस पोकेमोन काउंटर हो गया, तो गाइस इस पोकेमोन से बैटल कर लेते हैं। गाइस इसने तो मेरी आधी से ज़्यादा स्पीड खत्म कर दी, गाइस भागना पड़ेगा हमें। गाइस इसने हमें ख़त्म कर दिया है। अरे पोकेमोन सेंटर में आ गया। अरे गाइस कुछ ग्लिच है, हाँ गाइस कुछ ग्लिच था जिससे मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ चुका हूँ। चल छोड़ो गाइस अब आएंगे तो पहले का मार्केट विजिट करते हैं। इसमें प्रोफेसर ओक का पार्सल हमें नहीं डिलीवरी करना है शायद, वरना मार्केट में आपको पता है प्रोफेसर ओक का पार्सल डिलीवरी करना पड़ता है। चलो गाइस यहाँ पे गाइस एक चैम्पियन ट्रेनर है जिसे हमें हराना है लास्ट में आकर, उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है गाइस, अभी हम उसके पास नहीं जा सकते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं, ऐसे रूट 22 में हम लोग आज गाइस एक पोकेमोन काउंटर हो चुका है, तो डीओ है गाइस इसे हम लोग नॉकआउट करते हैं। ओ गाइस वन शॉट हो चुका है गाइस ये। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ घास फूस है। फिर एक और पोकेमोन गाइस काउंटर हो चुका है, इस बार रेडिट आया है, इसे भी शायद हम लोग वन शॉट कर देंगे। गाइस बच गया पिकाचू थंडरजॉक, इस बार गाइस ये खत्म हो चुका है। गाइस फिर से एक और पोकेमोन कार्ड, इस बार स्पीडो है, जैसे एस की जर्नी में स्पीडो आता है वैसे मेरे भी जर्नी में स्पीडो आ चुका है। स्टार्टिंग में पैरालाइज हो चुका है गाइस स्पीडो, अब एक और थंडरजॉक है, ये खत्म। गाइस पिकाचू ने इसे हरा दिया है, पिकाचू के लिए एक लाइक हो जाना चाहिए। चलो गाइस सब पीछे चलते हैं, गाइस अब इधर से वापस से हम लोग मेरिडियन सिटी में आ चुके हैं, अब चलते हैं आगे अपने सफर पर। तो गाइस हम फिर से गाइस एक और पोकेमोन, इस बार पीजी है, इसे कैच करें या मार दो। चलो गाइस इसे ख़त्म करते हैं, थंडरशॉक वन शॉट, ऐसे ये भी वन शॉट खत्म हो चुका है, हमें दिस एक्सपी मिल चुका है। यहाँ पे एक और बंदा है, उससे भी फाइट ले लेते हैं हम लोग, इसके पास दो पोकेमोन है, सबसे पहले इसका वीडल है जिसे हम लोग शायद एक शॉट करते हैं, थोड़ा सा एचपी से गाइस से बच गया। एक और थंडर शॉक खत्म, इसका दूसरा पोकेमोन कैटरपी है, इस पे क्यू कटक, क्यू कटक का डैमेज बहुत कम था गाइस, थंडर शॉक इस पे यूज़ गाइस, फिर से क्यू कटक यूज़ हो गया गलती से। चलो गाइस क्यू कटक यूज़ कर देते हैं, ये खत्म, हमें 55 EXP मिला है, हमारा पिकाचू 7 लेवल पे जा चुका है। सिर्फ फोन नंबर ट्रेड कर लेते हैं, अब हमारे पास
बंदे का फ़ोन नंबर आ चुका है। गाइस बताओ, मैंने एक बंदे को अपना फ़ोन नंबर रिवील कर दिया। अरे कपूना थंडर शॉक अरे एच पी खत्म, एक और थंडर शॉक ये ख़त्म। गाइस थोड़ी सी एच पी से बच गया वरना ख़त्म हो गया था। एक क्यूक अटैक ख़त्म हो गया। चलो पिकाचू थोड़ा सा सेकंड लेवल अप होने से रह गया। फिर इसका दूसरा पोकेमोन है, इसका नाम मुझे नहीं पता, स्पाइडर वाला पोकेमोन है गाइस। ये शायद जोटो रीजन से बिलोंग करता है जितना मैंने सीरीज देखी उसके हिसाब से। ये थोड़ी सी एच पी से गाइस ख़त्म। चलो गाइस हमारा पिकाचू 8 लेवल पे जा चुका है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी अटैक नहीं सीखा पिकाचू अभी तक। कॉर्ड पोकेमोन काउंटर हो चुका है। पॉली बैग इसमें कैच करने का सोच रहा हूँ, छोड़ो हारे चल के कोई ना कोई वाटर टाइप पोकेमोन मिल ही जाए। क्योंकि फर्स्ट जिम ब्रॉक का है तो उसे हराने के लिए हमें एक वाटर टाइप पोकेमोन तो चाहिए ही। गाइस नीचे में सर रास्ता, यहाँ पे गाइस एक ट्रेनर है, ट्रेनर हमसे बैटल करने के लिए स्टार्ट हो गया। तो इसके पास पहला ककुना है वो भी 8 लेवल का, ठीक है। थंडर शॉक आधी एच पी से गाइस ये सब बच जा रहा है। पिकाचू में दम नहीं है, पिकाचू का हमें पिकाचू को लेवल अप कराना पड़ेगा अच्छा खासा। मेटापॉट क्यूक अटैक, थोड़ी सी एच पी गई है गाइस इसका। एक और थंडर शॉक ये ख़त्म। 2 शॉट में गाइस ये पोकेमोन ख़त्म हो चुका है। हमारे पिकाचू 9 लेवल पर जा चुका है। चलो आप आगे बढ़ते हैं। जब हम इस ट्रेनर से बैटल करने वाले हैं तो गाइस इससे बैटल करते हैं। गाइस हमारा बैटल स्टार्ट हो चुका है। इसके पास कौन सा पोकेमोन है? इसके पास भी वो स्पाइडर पोकेमोन है। तो गाइस इस पर हम लोग कौन सा अटैक यूज़ करें? थंडर शॉक। चलो इस पर एक और थंडर शॉक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म गाइस। इस बार भी थोड़ा सा एक्सपी से बचा है पिकाचू वरना लेवल अप हो जाता। आगे चलते हैं एक और ट्रेनर गाइस। यहाँ पे ट्रेनर के तो बहुत सारे हैं, इन्हें हराते हराते तो मेरा पिकाचू 10 लेवल तक हो ही जाएगा। ये मेटापॉड है, इसे एक थंडर शॉक पे आधा एच पी ख़त्म। इसने हार्डन यूज़ किया, एक और मेटा थंडर शॉक ये ख़त्म। तो गाइस हमारा पिकाचू 10 लेवल पे जा चुका है और थंडर वेव को सीख चुका है। इसका कुछ फ़ायदा नहीं है गाइस, थंडर वेव सिर्फ पोकेमोन को पैरालाइज करता है। देख सकते हो गाइस ये पैरालाइज हो चुका है, अब इस कुछ कमी अटैक करेगा। तो गाइस इस पे हमको क्यूक अटैक यूज़ करते हैं। हमारा थंडर शॉक बहुत कम बचा हुआ है गाइस, कुछ समय में हमारा थंडर शॉक हो सके तो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। ये गाइस थोड़ी सी एच पी पे बचा है, पैरालाइज इसका हट चुका है गाइस। ये क्यूक अटैक और ये ख़त्म। चलो गाइस एक और मेटापॉड। चलो गाइस भी थंडर शॉक यूज़ करते हैं, आधी एच पी पे बच गया। एक और थंडर शॉक ये ख़त्म। तो गाइस ये भी ख़त्म हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये ट्रेनर हट चुका है, आगे एक पोकेबॉल है इसे मैं ले लेता हूँ। आगे इधर से मैं जा सकता हूँ नहीं तो इधर से, तो मैं शॉर्टकट को यूज़ करूँगा। फिर यहाँ पर एक और पोकेमोन काउंटर हो चुका है, हीरा क्रॉस। इससे मैं कैच करना चाहता हूँ लेकिन नहीं गाइस, रहने दो, उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा अभी। यहाँ पर ड्राई हीट मिले हम लोग को मिल चुका है। यहाँ पर एक और ट्रेनर है, इसे भी मैं स्किप कर देता हूँ गाइस। बैटल करते हैं तो मैं मन और हेराक्रॉस ये भी 7 ही लेवल का है, इसे भी ड्रॉप आउट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गाइस हम लोग फॉरेस्ट से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पे एक और ट्रेनर है, इसे भी हम लोग अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं। प्यूटर सिटी में गाइस हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे पोकेमोन सेंटर है जहाँ पे जाकर उन्हें पोकेमोन को हील कर लेते हैं गाइस। वहाँ पे एक ट्रेनर था, मैं सोचा उससे एक बार बैटल करके देखना, मैं पिकाचू का भी लेवल अप हो जाएगा। गाइस चलते उस ट्रेनर के पास। ये रहा गाइस वो ट्रेनर, चलिए इससे बैटल ले लेते हैं। तो गाइस इससे बैटल हमारा स्टार्ट हो चुका है।
डरा इसके पास तीन पोकेमोन है, फर्स्ट इसका ऑडिस ये वाटर टाइप है, तो इस पर एक थंडर बोल्ट में हो सके खत्म हो जाए। गाइस कुछ इस पर इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा इसकी एच पी डाउन हुआ। थंडर वेव इस पर यूज़ करते हैं, पैरालाइज हो चुका है, फिर ये एब्जॉर्ब यूज़ कर रहा है मेरे पे। गाइस मैं बहुत गंदा वाला कटने वाला है इस मैच में, क्यूक अटैक इस पर यूज़ करते हैं, स्विफ्ट सेंट इसने यूज़ किया है गाइस, क्यूक अटैक फिर इसने एब्जॉर्ब यूज़ किया है। गाइस थोड़ी सी एच पी पे मेरा पिकाचू बच रहा है, एक और क्यूक अटैक, ये स्विफ्ट सेंट यूज़ कर रहा है गाइस, कौन सा अटैक है, एक और क्यूक अटैक, ये ख़त्म। तो गाइस हमारा पिकाचू 11 लेवल पर हो चुका है, इसका दूसरा पोकेमॉन बटरफ्ली आ चुका है, इस पर मैं थंडर शॉक यूज़ करता हूँ। वन शॉट मिलते हैं गाइस, पिकाचू हमारा 12 लेवल पर हो चुका है, इसका लास्ट पोकेमॉन बिड्रल आ चुका है, इस पर भी थंडर शॉक यूज़ करते हैं। थोड़ी सी एचपी गाइस इसके डाउन हुए हैं, हमारा भी थोड़ी एचपी डाउन हो चुके, वो पैरालाइज हो चुका है। फ्यूरी अटैक यूज़ कर रहा है गाइस, मतलब मुझे 3 बार लगा है, थंडर शॉक इस पर एक और बार यूज़ करते हैं। गाइस लग रहा है हम लोग इस मैच को नहीं जीत पाएंगे, गाइस एक एचपी में मेरा पिकाचू बचा, तो गाइस सब हम लोग नहीं जीत पाएंगे खत्म। तो गाइस हमारा पिकाचू हार चुका है। तो गाइस अगला एपिसोड में मैं इस ट्रेनर को हराने की कोशिश करूँगा, अगला एपिसोड में मैं अपने लिए एक पोकेमोन भी कैच करूँगा, हो सके तो गाइस मैं ऑफ स्क्रीन में पिकाचू की थोड़ी सी लेवल बढ़ा दूँगा, एक न्यू पोकेमोन भी शायद ऑफ स्क्रीन में कैच कर दूँ। तो गाइस आपको इस सीरीज का सब लगी कमेंट में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल।